वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके यूट्यूब चैनल पर आज हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। व्हेन डच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड इन यूरोप, पहली बार यूरोप में डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस शताब्दी में प्रतिष्ठा किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1620 में पहली बार डच ईस्ट इंडिया कंपनी को यूरोप में स्थापन किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन एंड व्हेयर ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट फाउंडेड इन इंडिया, भारत में पहली बार डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किस स्थान पर और किस ख्रिस्टाब्द में स्थापन किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत में पहली बार डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1605 1605 में मुसलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में पहली बार डच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापन किया गया है। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट, स्विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी फ्रेंड्स स्विच नहीं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में करेक्ट उक्ति क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, इस तीनों उक्ति सही है। मीन्स डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत में 1605 में आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में स्थापन किया गया था। इसके बाद 1610 में तमिलनाडु के पुलिकट में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन किया गया था। इसके बाद 1653 में बंगाल में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापन किया गया था। इसके बाद 1658 में उड़ीसा में भी एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापन किया गया था। याद रखिए, टोटल भारत में फोर ब्रांच डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन किए गए थे, फोर प्लेस में। नेक्स्ट, द डच आर ट्रेड विथ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट मसलास, डच भारत आए थे, उन्होंने भारत में जो मसाला के बाद किन चीज़ को भारत से इंपोर्ट करते थे और इंडोनेशिया में बेचते थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कॉटन क्लॉथेस, क्योंकि डच ने देखा कॉटन क्लॉथेस भारत में बहुत से अच्छी मिल रहा है, इसलिए उन्होंने पहले आए के भारत से कॉटन क्लॉथेस को खरीद के इसको इंडोनेशिया में बेचते हैं और जो भी मुनाफा आते हैं इस मुनाफा में भारत में फिर से मसाला लेकर डच लौटे थे। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ट्रेड सेंटर ऑफ क्लॉथ फैक्ट्रीज, द डच इंडिया कंपनी भारत में क्लॉथ फैक्ट्री स्थापन किए थे अपना बिजनेस के लिए, कहाँ पर स्थापन किए थे ना? ऑप्शन में से बोथ ऑफ दिस, एक सदाशिवपट्टनम और एक दृश्यपट्टनम, इस दोनों स्थान जो तमिलनाडु में अवस्थित होता है, इस दो स्थान में जो क्लॉथेस के लिए फैक्ट्री लगाए थे, कौन ना? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट, आफ्टर व्हिच वार द डचेस आर एंडेड इन इंडिया, किस युद्ध के बाद डच ने भारत में समाप्त हो गए थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भेंद्रा वार, याद रखिए भेंद्रा वार के बाद डच में डच का बिजनेस भारत में ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट, हु इट्स द फॉलोइंग इट्स करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट भेंद्रा वार, भेंद्रा वार के बारे में कौन सा उक्ति सही है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, इन तीनों उक्ति सही है। फर्स्ट, डच वर्सेस इंग्लिश जो भेंद्रा वार किया गया था 1769 में वेस्ट बंगाल में हुआ था डच और इंग्लिश के बीच में, डच लॉसेस एंड वेंट इंडोनेशिया, इस युद्ध में डच ने हार गए और ब्रिटिश ने जीत गए। डच हारने के बाद भारत छोड़कर इंडोनेशिया बिजनेस करने के लिए चल गए, लेकिन ब्रिटिशर्स भारत ने अपना राज शुरू कर दिया है। नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड द पागोडा कॉइन, एक पागोडा कॉइन जिसको गोल्ड कॉइन भी हम कहते हैं, इसको कौन लॉन्च किए थे ना? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी डच, डच ने भारत में एक पागोडा कॉइन लॉन्च किए थे जिसको गोल्ड कॉइन भी नाम में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, द डचेस फाउंडेड ए कोर्ट विलियम इन व्हिच प्लेस, डचेस भारत में एक कोर्ट विलियम स्थापन किए थे और कहाँ पर ना? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कोच्चि, कोच्चि में डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक कोर्ट विलियम स्थापन किए थे, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, हु हैज ए डच ट्रैवलर केम टू इंडिया इन 1596 AD, 1596 AD में कौन सा एक डच ट्रैवलर भारत आए थे पहली बार? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कॉर्नेल्स डे हॉटमैन नामक एक ट्रैवलर थे डच के, उन्होंने भारत पहली बार आए थे 1596 में।
धन्यवाद फ्रेंड्स, इस तरह न्यू एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको पहले मिल सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।